तो देखिए बच्चों, नाउ लुक इन योर बुक एंड लुक हियर, व्हिच बिहेव लाइक अ मैग्नेट. एमसीक्यू क्वेश्चंस बिहेव लाइक अ मैग्नेट व्हेन करंट पासेस थ्रू द कंडक्टिंग वायर. व्हेन वी पास द करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर, इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. व्हेन स्ट्रेंथन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म By increase the number of windings. Number of winding हम लोग increase करेंगे तो यहाँ पर number of winding जितनी होगी magnetic effect उतना ज्यादा होगा, magnetic field उतना strong होगा. Next, a huge wire is used to protect the electrical appliances. हमारे जो electrical appliances हैं, इन सबको protect करने के लिए हम लोग किसका use करते हैं? Fuse का. Because fuse cut off the supply if exceed the amount of electric current from the limit. A magnetic needle placed near the current carrying conductor deflects. Why it deflects? Due to magnetic effect, generation of the magnet. Potential difference, an electric bell electromagnet attracts towards the क्लेपर. बच्चों क्लेपर क्या होता है? ये जो हमने यहाँ पर ये गोम के बाद साइड में ये ऐसा एक तो ये बनाया था, वो इसके पास में ये ऐसे, ये ऐसे, ये तो उदाहरण आयरन स्ट्रिप. और ये आयरन स्ट्रिप के साथ में हमने यहाँ पर कुछ, ये आयरन स्ट्रिप और ये कुछ हमारा ऐसा हैमर बनाया था. दिस इज द हैमर, राइट. और ये पूरा पोर्शन ये ऐसे, दिस पोर्शन इज नोन एज क्लैपर. इसको क्या कहते हैं बच्चों लोग? क्लैपर. और क्लैपर के पास में यहां पर स्क्रू अलग होता है, ये स्क्रू है, यहां स्क्रू यहाँ पर होता है, ये क्लेपर ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तेजल बेदी हमेशा बाहर ही जाती रहती है. आई कांट अंडरस्टैंड कि इसका हमेशा पोर्शन ही बिल्कुल. चलो बच्चों क्लेपर की बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट क्लेपर, ये पूरा क्लेपर, ये पूरा का पूरा अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी, ये क्लेपर अटैक टुवर्ड्स दी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती ना ऐसे, ये ऐसे जो हमने बनाया था, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन द वोल्ट. हम कैसे मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? वोल्ट में. नाउ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट नंबर वन क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर? नंबर वन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई या सोर्स ऑफ पावर का, सोर्स ऑफ पावर. सेकंड कनेक्टिंग वायर्स and along with these two one another, that is the output device. This is the output device. So these are the three source of power, connecting wires and output device. These are the three constituents of the circuit. When electric current is withdrawn from an electromagnet, it stops. ये क्या करती है? अपना इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई बंद किया तो यहां पर स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप द मैग्नेटिज्म. वायर इज ऑफन
ऑफन यूज टू हीटिंग डिवाइस एज इट इज हाई। तो बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइक्रोम वायर, वी यूज नाइक्रोम वायर, वी यूज नाइक्रोम वायर इन द हीटिंग डिवाइस, ताकि क्यों नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, बिकॉज इट इज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। नाइक्रोम इज अ अलॉय, नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ द निकल एंड क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम, दीज टू मेटल्स व्हेन मिक्स टुगेदर इट फॉर्म द एन आई फ्रॉम द निकल एंड क्रोम फ्रॉम द क्रोमियम, नाइक्रोम। गॉट इट। नेक्स्ट, इट इज हाई रेजिस्टेंस। अ फ्यूज बल्ब इन अ सीरीज कनेक्शन डज नॉट इंटरप्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं ये तो इंटरप्ट रहता है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर कोई भी एक सर्किट, कोई भी एक बल्ब फ्यूज होगा तो इट विल, देयर इज नो सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यस, द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर डिसाइड व्हाट इट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ इट, किसका रेजिस्टेंस कितना होगा, कौन डिसाइड करेगा, कंडक्टिंग मटेरियल। सम ऑफ द मटेरियल आर गुड कंडक्टर्स व्हिच हैव लेस रेजिस्टेंस, व्हिच हैव सम ऑफ द मटेरियल आर बैड कंडक्टर व्हिच हैव हाई रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस हाई होगा। नाउ when electric current exits through a fuse it emits light signal thodi deta, it blown off the wire broken down, yes yahan par fuse hai iske beech mein dono mein wire laga hua hai, ye wire toot jayega, melt ho jayega and it stop the supply of current in the circuit। Opposition, the flow of current is known as resistance. Opposition, obstruction in the flow of electric current is known as resistance. A special type of train with electromagnet fixed at the bottom, which is this electric train, which is this magnetic train, maglev. Now, look here. इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहले, ये तो मैंने ऑलरेडी दे दिया आंसर की, ऑलरेडी यू हैव। नेम द फाइव डिवाइसेज व्हिच वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फाइव डिवाइसेज, टेलीफोन, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, हमारे स्पीकर्स ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहाइंड इट। नेक्स्ट वन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स, इलेक्ट्रिक बेल, राइट। नाउ यू कैन डू, विच मटेरियल इज यूज एज द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, विच मटेरियल इज यूज एज अ कोर मटेरियल, यस हु विल टेल मी, विच मटेरियल इज यूज एज अ कोर which material use soft iron act as a core। बच्चों जो हमारे पास में जितनी भी मोटर होती ना, मोटर है हमारे एलईडी बल्ब वगैरह होती है उनकी, when you open this circuit, जैसे हमारा पंखा fan also work on the electric इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों यहाँ पर इसके अंदर ऐसे कॉइल होती है, ऐसा होती है, व्हेन यू ओपन इट, इसकी कॉइल जब ओपन करो, आर्मेचर इसको कहते हैं, ये ऐसा है। अब इसके अंदर इट इज होलो पोर्शन और यहाँ पर ऐसे 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 वाइंडिंग होती है कॉपर, देयर इज अ वाइंडिंग ऑफ कॉपर वायर, देयर इज अ वाइंडिंग ऑफ कॉपर वायर ओवर हियर,
और यहाँ पर बीच हम लोग आयरन कोर की आयरन कोर लगाते हैं विच एनहेंस द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हु ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिश्चियन ऑरेस्टेड मेंशन एनी टू यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया अपना नाउ लुक हियर एक्सरसाइज पे आ जाओ वापस व्हाट मेटल आर यूज्ड इन द फॉलोइंग तो बच्चों व्हिच मेटल आर यूज्ड नंबर वन फिलामेंट ऑफ बल्ब बच्चों फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए मटेरियल कैसे चाहिए फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए मटेरियल कैसे चाहिए बच्चों बिफोर द फिलामेंट ऑफ बल्ब क्या करना पड़ेगा उसको गर्म होना पड़ेगा गर्म होना पड़ेगा तो हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर क्या होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट ना हो अगर मेल्ट हो गया तो वो जलेगा ही नहीं बल्ब विल फ्यूज तो बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल देखना पड़ेगा ऐसी मेटल देखेंगे विच हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट इट डू नॉट मेल्ट इजीली सो विच मेटल इज यूज्ड टंगस्टन वेरी गुड टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक द यस इट डू नॉट मेल्ट नेक्स्ट वन कनेक्टिंग वायर्स बच्चों फॉर मेकिंग द कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टिंग वायर्स ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस क्या हो कम हो लो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कम हो रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन पास हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन पास the material the metal which can conduct electricity easily so copper normally copper which is the best conductor silver lekin chandi ke taar lagane lage to wiring khol khol ke leke bhag jayenge log so we use copper kuch log aluminium copper aluminium राइट नेक्स्ट वन वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर ऐसा हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और रेजिस्टेंस भी कम हो लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा जल्दी से मेल्ट हो जाएगा तो बच्चों क्या करते हैं अलॉय बना देते हैं एक अलॉय बना देते हैं कुछ लोग हाई रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं हाई रेजिस्टेंस एंड लेकिन हाई होगा तो वो करंट ही पास नहीं होने देगा तो लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट सो फ्यूज कुछ लोग हाई रेजिस्टेंस भी रहते हैं तो हाई भी लिख दो कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हाई लिखेंगे तब भी सही है लो लिखेंगे तब भी सही है हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होगा व्हाई दिस मेल्टिंग पॉइंट विल बी लो सो दैट इट कैन मेल्ट इजीली जल्दी से मेल्ट हो जाए एंड पासिंग दी एज द करंट पास एक्सिट तो जल्दी से मेल्ट हो जाए दैट्स व्हाई तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ताकि हमारी सप्लाई बंद हो जाएगी सप्लाई बंद हो जाएगी तो फ्यूज उड़ के रह जाएगा देयर इज नो अदर एक्सटेंट्स हमारे अप्लायंसेस प्रोटेक्टेड रहेंगे तो इन इलेक्ट्रिक आर अप्लायंसेस विल बी सेफ इन दैट केस तो यहां पर लिख देंगे हम लोग Tin alloy is used to fuse wire, heater, geyser and heating rod. बच्चों हीटर बनाने के लिए to make the electrical heater. यहाँ पर हम लोग we use again high resistance
हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस? बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वैसे मैंने दे दिया तुम लोगों को, टेक स्क्रीनशॉट। लुक हियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द, बच्चों, दी ऑल दी थिंग्स, ऑल दी मटेरियल हैविंग अ पोटेंशियल, पोटेंशियल टू डू वर्क, तो वैसे ही दी डिफरेंस इन, दी डिफरेंस इन पोटेंशियल, दी डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। Due to potential difference, due to potential difference, due to potential difference, electric current will be able to flow. Electric current will be able to flow. Will able to flow. Electric current flow होती बच्चों किसकी वजह से? Due to potential difference. जितना ज्यादा potential difference, उतनी strong electric current. Potential difference low, current भी यहां पर कैसे होगी? Weak current. Potential difference measured in, जैसे हम लोग वेट को किलोग्राम, लीटर, लिक्विड है लीटर, गैस को भी लीटर में, लाइक दिस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इन वोल्ट, वोल्टेज मेजर्ड इन वोल्ट्स, एल्स एलिसेंड्रो वोल्टा, याद आया? In honor of the Alessandro Volta. What do you understand by the electromagnetism? Take a screenshot of this. What do you mean by electromagnet? The phenomena due to which when electric current passes, the phenomena due to which when electric current passes through a circuit, when electric current passes through a circuit or conducting wire, it generate the magnetic field. Generation of magnetic field by passing the electric current through the circuit is called as potential, sorry, is called as electromagnetism. Now, what do you understand by a series and parallel circuit? ये हमने पहले explain कर दिया है, अच्छा answer हमने दिया हुआ already. Why resistive wire made thin and long? Yes. This question I want to discuss over here. Now try to understand. बच्चों मैंने एक concept तुम लोगों से share किया था यार, कि factors affecting, factors affecting resistance. Factors affecting resistance of a circuit.
which factors affecting the resistance? So look here. Number one. Length of conducting wire. Length of conducting wire. Length of conducting wire. Conducting wire जितना लंबा होगा हमारी resistance उतना ज्यादा होगा. Resistance, length of wire will be higher than resistance of the resistance of conducting wire also higher. Resistance of conducting wire. CW means conducting wire. Resistance of conducting wire will be higher. Ek bar. Second condition, thickness of conducting wire. Thickness of conducting wire. Thickness of conducting wire. बच्चों जितना thick thickness of wire जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम. रेजिस्टेंस उतना कम होगा. थिकनेस जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम. अंडरस्टैंड. तो जितना वायर थिन तो हाई रेजिस्टेंस, थिन रेजिस्टेंस हाई. Thin resistance high, thick resistance low. वायर जितना मोटा resistance उतना कम. बच्चों देखो छोटे छोटे पतले पतले तार हैं, resistance high. There is a thick wire, one single thick wire. और जितनी हमारी जो केबल होती है, केबल उस केबल में क्या क्या होता है बच्चों, वायर मोटा होता है. सो लुक हियर, दिस व्हिच वन हैविंग लो रेजिस्टेंस, व्हिच वन हैविंग लो रेजिस्टेंस, दिस वन. व्हिच वन विल हैविंग हाई रेजिस्टेंस, दिस. हाई रेजिस्टेंस दिस, लो रेजिस्टेंस दिस. Which having low resistance? This one. Which having high resistance? This. Got it? So high resistance, low resistance. बात समझ में आ गई? देखो समझो बात को. कौन सा सुन में आ गया? ये तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. नाउ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. यू कैन डू ट्रेस द फैक्टर सीटिंग इफेक्ट. सीटिंग इफेक्ट नंबर वन, resistance of the conducting wire, resistance of the conducting material or conducting wire. Number two, strength of electric current which pass through the conducting wire. And third one, time duration. Number one, strength of electric current, resistance, or third one, time. Got it? Now describe briefly the working of following magnetic cranes.
मैग्नेटिक क्रेन्स आर यूज टू लिफ्ट हैवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम विच इट इज मेड बेड. तो इलेक्ट्रिक क्रेन तुम्हारी लोहे से बनती है, इलेक्ट्रिक क्रेन तो नॉर्मल क्रेन. एन इलेक्ट्रिक क्रेन इज यूज टू कैरी हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब लोग बच्चों एक प्लेस से यहां से जैसे इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन किया है, काफी हाई वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिक करंट यहां फ्लो करता है. एंड एज वी स्विच ऑन द करंट देयर इज वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट एंड इट पिक अप द ऑब्जेक्ट्स स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड कैरी टू अनदर प्लेस. जहां पर ले जाएंगे, जहां पर छोड़ना है वहां पर धीरे से नीचे ले जाएंगे. एंड वी स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दी मटेरियल विल ड्रॉप ओवर हियर ड्रॉप ओवर देयर राइट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड ओवर हियर टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट कैन बी कंट्रोल्ड वेन एवर वी वॉन्ट टू लिफ्ट द लाइट वेट मटेरियल, इलेक्ट्रिक करंट कम कर देंगे. हैवी लोड मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा देंगे. इट इज ए टेम्पररी मैग्नेट सो इट कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट इज इजी टू कंट्रोल. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मोर एट बेनिफिशियल मोर फ्रूटफुल देन द नॉर्मल मैग्नेट्स बिकॉज नॉर्मल मैग्नेट्स आर परमानेंट मैग्नेट. एक अगर चिपक गया तो चिपक गया, बट वी कांट कंट्रोल द मैग्नेट कंट्रोल द नॉर्मल परमानेंट मैग्नेट. बट the temporary magnet can be used can be controlled. hum log usko control kar sakte. baat samajh mein aa gayi. fuse it is a device to control the electricity to flow in a circuit. it is a safety device which protect the appliances and when the current flows exceeds from its limit the fuse wire will blown off right. next one MCB. MCB is more advantageous than the more beneficial than our normal fuse wire because there is no need to change the wire or change the wire need the expertise need efficiency excellence. hum log gaye ja kar ke aise haath laga diya झटका लग सकता है. वी मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक. सो देयर इज नीड ऑफ एक्सीलेंस. बार बार तार चेंज करते रहो उसका. बट देयर इज नो नीड ऑफ इन एमसीबी. इट इज नॉर्मली स्विच ऑफ एंड ऑन. इट इज इजी. डू नॉट नीड टू चेंज द वायर. थैंक यू. अभी के लिए